Assalamualaikum everyone, my name is Zamisha and I'm from Titanium Group. जैसे कि आपको पता है कि Titanium Group आपको real estate के बारे में investment opportunities और residential opportunities के बारे में बताता रहता है. आज का जो मेरा topic है वो है phase 8. Most of the time clients confuse कर देते हैं phase 8 को phase 8 extension के साथ. Phase 8 और phase 8 extension के अंदर almost 6 to 7 kilometers का जो है वो फासला आ जाता है. फेज 8 के बारे में फेज 8 एक्सटेंशन अभी अंडर डेवलप्ड है, जबकि फेज 8 एक्सटेंशन में डेवलपमेंट का काम जारी है और वो काफी हद तक डेवलप्ड हो चुका है. यहाँ मैं आपके साथ जो है वो कमर्शियल्स के बारे में शेयर करूंगी. जैसे कि आपको बताया कि हमने पहले भी आपको फेज 8 के बारे में डिफरेंट कमर्शियल अपॉर्चुनिटीज का बताया हुआ है. स्टैचू ऑफ लिबर्टी के ऑपोजिट एक 5-स्टार होटल है जहाँ पे आपको अपार्टमेंट्स भी मिल जाएंगे जिसमें आपको हर मंथ रेंटल इनकम आएगा और वहाँ पे कमर्शियल्स वगैरह भी अवेलेबल है. इस तरह वहाँ पर डिफरेंट और भी मॉल्स वगैरह होटल्स वगैरह बन रहे हैं, जैसे कि आपको पता होगा इसके बारे में. अगर आप 1 करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 6 to 7 ईयर्स तक वो टोटल आपको जो आपका कैपिटल है वो रिटर्न बैक हो जाता है. ये बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसके अंदर आपको मैक्सिमम गेन होता है, तो इट इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी. अब मैं आपको बताऊंगी कि ये किस तरह से, किस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो वहाँ पर जो होटल्स का और कमर्शियल हब बनता जा रहा है. जैसे आपको पता है कि इस्लामाबाद जो है वो कैपिटल है पाकिस्तान का, यहाँ पर इंटरनेशनल फ्लाइट्स का ज़्यादा आना जाना है बिजनेस के तौर पर, और इस तरह से ज़्यादातर यहाँ पर ही लोग स्टे करते हैं. तो यहाँ पर जो रिंग रोड बनने जा रहा है वो रिंग रोड 5 to 6 मिनट्स आप जो फार अवे होंगे इस्लामाबाद मेन कैपिटल सिटी से. जो होटल्स हैं वो एयरलाइंस के साथ डायरेक्ट एग्रीमेंट करते हैं, जिसकी वजह से ये होता है कि आपको अच्छा बेनिफिट होता है. वो बिल्कुल 5 से 6 मिनट होगा थ्रू रिंग रोड, और आपके जितने भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स के जो भी हमारे गेस्ट होंगे वो वहाँ स्टे करेंगे, तो ये एक अच्छा बेनिफिट है जो चलता जाएगा. जो रेंट होगा वो हर साल बाद 20% तक इंक्रीज करेगा, सो इट इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी एज वेल. 6 से 7 साल के अंदर आपका कैपिटल रिटर्न भी हो गया. आपने अगर वो सेल करनी है अपनी शॉप या अपार्टमेंट तो आपको उस पर उतना ही बेनिफिट आ जाएगा जितने का आपने लिया हुआ है. तो इट इज़ अ वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट एट दिस टाइम. यहाँ पर और भी और एक और बात बताते चलूँ कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बिल्कुल साथ जो है वो पीसी होटल भी बनने जा रहा है, जिसकी बुकिंग्स जो हैं वो कुछ हफ्तों तक उसकी भी बुकिंग्स जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी. तो ये जो सारा एरिया है ना, ये काफ़ी जो होटल्स का हब है, कमर्शियल हब बनने जा रहा है. तो यहाँ पर डिफरेंट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं. ये स्पेशली डिज़ाइन किया गया हमारे इन्वेस्टर्स के लिए, ओवरसीज इन्वेस्टर्स या पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स जो चाहते हैं कि इन्वेस्ट करें, उनको बस रेंट की सूरत पे एक रेंटल इनकम मिलता जाए, उनको हर मंथ एक फिक्स इनकम मिलती जाए, और साथ जब वो सेल करें तो उन्हें अच्छा जो है वो रिटर्न बैक, मैक्सिमम रिटर्न बैक जो है वो गेन हो जाए. तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी. और दूसरी चीज़ ये है कि जो अपार्टमेंट्स होते हैं उसके अंदर या फिर जो आप ये होटल्स वगैरह में या मॉल्स वगैरह के अंदर जो आप इन्वेस्ट करते हैं, इसका जो आपको कैपिटल है, जो गेन है, ये जल्दी हो जाता है. मतलब प्लॉट्स वगैरह के प्लॉट जो होती है वो सेविंग होती है आपकी, ठीक है, जो आपको अच्छा बेनिफिट देती है कुछ अर्से बाद. लेकिन जो अपार्टमेंट्स होते हैं ना, इट इज़ अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट. आपने थोड़ा सा, अगर आप फॉर एग्जांपल आप इसको थोड़ी देर के लिए रखना चाहते हैं, तो आपने 1-2 साल रखा, आपको थोड़ा सा कैपिटल गेन हुआ 5-7 लाख का, तो आपने इसको क्या किया, रेंट की सूरत में भी हो गया और इस तरह से भी हो गया कि जब आपने सेल किया जा रहा है उसकी वर्थ इंक्रीज हुई, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम वहाँ पे अच्छे से शुरू हो चुका है अब. तो इट इज़ अ गुड थिंग अबाउट इट. और अगर आपको इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं. ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए सेम नंबर है, आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं आप लोगों को और गाइड कर दूंगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.